25 जनवरी 2024 को उल्पाड़ के परा मोहल्ला में रहने वाले अंजर अली मलिक 30 साल की उम्र है। उनका मर्डर 4 अननोन व्यक्तियों ने किया था, जिसके अगेंस्ट में मर्डर और आर्म्स एक्ट का गुना उल्पाड़ पुलिस में दाखिल हुआ था। इस गुना की सीरियसनेस को देखते हुए सूरत रूरल पुलिस ने टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सोर्सेज से एक्यूज के प्रोफेशनल और फैमिली बैकग्राउंड का जायजा लेते हुए सब इंट इकट्ठा की और सूरत सिटी क्राइम ब्रांच को भी इस विषय में रिक्वेस्ट की गई। तो उनकी टीम और सूरत रूरल क्राइम ब्रांच SOG सब टीमें 25 जनवरी रात से ही कार्यरत थी और इस गुना को अंजाम देने वाले राकेश उर्फे बाला, पंकज सेंधिया, इनको महाराष्ट्र के भूसावल से सूरत रूरल क्राइम ब्रांच और सूरत सिटी क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट किया है। दो अन्य एक्यूज शाहिल पटेल और एक माइनर जो है जुवेनाइल, उनको पलसाणा नजीक से उनकी भी अरेस्ट की गई है। आज इनका रिमांड लिया जाएगा और इन सारों आरोपियों के विरुद्ध में बहुत सारे गुना दाखिल हुए हैं। वारंट का एग्जीक्यूशन भी एक या दो आरोपी का इसमें पेंडिंग है। इसके चलते इन्होंने 2 जनवरी से उल्पाड़ में अंजर अली ने इनको शेल्टर दिया था। जहाँ तक वारदात का जो इंटेंशन था उसकी बात की जाए तो एक इस्माइल शेख जो सूरत शहर में रहने वाले हैं, वो अंजर अली के साथ उसका बिजनेस रिलेशन भी था। बिजनेस में डिस्प्यूट होने के चलते, पैसे की लेती देती के चलते, इस्माइल शेख ने बाला और पंकज को अंजर अली का मर्डर करने का काम दिया था। तो इस तरह से अभी इस्माइल शेख इसमें मास्टरमाइंड है जो वांटेड है। सूरत के घर पे भी पुलिस ने सर्च किया है और उल्पाड़ में भी सर्च किया है, उसको भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी कर दी जाएगी। और इस गुनाह में और कोई चीज़ शामिल है या नहीं उसका इन्वेस्टिगेशन भी पुलिस करेगी। धन्यवाद।